Hello everyone, welcome to our channel. So we are actually doing how do organisms reproduce. हम third chapter कर रहे हैं class 10th का, जो unit number 2 के अंदर आता है. So ये आपका chapter हम इसमें थोड़ा सा introduction last video में कर चुके हैं. So इस video में आज हम बात करने वाले हैं modes of reproduction की. So हमने पिछली बार बात करी थी कि reproduction होती क्या है और क्यों होती है, ठीक है, कि ये एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू लिव, बट वाई इट इज़ डन एंड हाउ इट इज़ डन. सो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द पार्ट 1 वीडियो, और उसमें हमने वेरिएशन की बात करी थी. तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो. सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज हम बात करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन में कि कितने मोड्स होते हैं, कितनी तरह से रिप्रोडक्शन हो सकती है. और उसमें पहली बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो होती क्या है और उसकी क्या टाइप्स हैं. सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो पहला पॉइंट आ जाता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक अकेला ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करता है. क्या एक अकेला ऑर्गेनिज्म भी आगे फर्दर दो या दो से ज़्यादा अपने से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है? इज़ इट पॉसिबल? येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, और इससे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट ही अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. ऑफस्प्रिंग हम बात करेंगे अपना न्यू जनरेशन, ठीक है. सो जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है. ऐसी जो भी रिप्रोडक्शन होती है उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और ये कितनी तरह की होती है? ये इसमें हम लोग 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं. सो ये हम 1 by 1 करके स्टडी करेंगे, ओके. सो पहले हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है. वो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है. दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. दूसरा पॉइंट है जो नया इंडिविजुअल बनता है वो उसका जेनेटिक्स यानी कि उसका डीएनए और उसका जो फिजिकल फॉर्म होता है, जो उसकी शेप होती है, जो उसका बॉडी का डिजाइन होता है, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट. उसकी अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है वो, एज इट इज क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है. क्लोन्स का मतलब आप समझते हैं जो बिल्कुल सिमिलर दिखता हो, कोई वेरिएशन नहीं है जिसमें. सो फर्स्ट इज दे प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट. सेकंड पॉइंट इज जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और फिजिकली सिमिलर होते हैं, क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट्स का. थर्ड पॉइंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखी जाती है. आई होप मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर तो आपको क्लियर होंगे पॉइंट्स. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स, ठीक है. सो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में. देन दिस प्रोसेस, कोई भी गैमीट की फ्यूजन इसके अंदर नहीं होती. गैमीट का क्या मतलब हुआ? गैमीट मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं. मेल में मेल गैमीट्स होते हैं, फीमेल में फीमेल गैमीट्स होते हैं. सो बेसिकली जो मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें गैमीट बोला जाता है. तो इसमें ऐसा मेल और फीमेल वाला कोई सिनेरियो रहता ही नहीं है, सिंगल पेरेंट ही होता है, वो अपने जैसे नई ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देता है. सो फ्यूजन कहाँ से होगी? फ्यूजन मतलब मिलना तो हो नहीं पाएगा ना, ठीक है. सो देयर वोंट बी, कोई भी क्रोमोसोम्स के नंबर में भी चेंज नहीं देखने को मिलता. सो दिस इज द 4th पॉइंट, ओके. और ये सेम जीन्स ही इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स. जीन्स जो हमने डीएनए की बात की थी, सेम डीएनए ही पेरेंट्स की तरह ये इनहेरिट करते हैं, जबकि बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि थोड़ी बहुत म्यूटेशन हो जाए. म्यूटेशन का मतलब कि जो वेरिएशन देखने में मिलती है, अगर डीएनए की जो इसका जेनेटिक मटीरियल है उसमें बाय डिफॉल्ट कॉपी करते हुए ही कुछ चेंज हो गया तो उसको म्यूटेशन बोला जाएगा. सो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 पॉइंट्स, बेसिकली 5 पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हैं. पहला, सिंगल पेरेंट बनाते हैं. दूसरा, जेनेटिकली और फिजिकली वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, और मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में दिखाई देती है ये. और फोर्थ चीज़ इसमें कोई गैमीट की फ्यूजन नहीं होती, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी चेंज नहीं होते और बहुत कम चांसेस होते हैं कि म्यूटेशन हो। ठीक है, अदरवाइज सेम जीन्स अपने पेरेंट्स से ये लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कर ली। अब हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। सो बेसिकली हम 6 टाइप्स पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो लेट्स सी वन बाय वन की कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है और ये किस में होती है। सो यहाँ पे प्लीज़ मार्क इट डाउन, ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आई एम गोइंग टू मेक। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि फिजन क्या होती है। बहुत रेयर एंड देयर होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल दे दीजिए। इनफैक्ट क्वेश्चन घुमा के आता है, हाउ द क्वेश्चन विल कम कि बैक्टीरियाज में और प्रोटोजोआज में कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। अगर एसेक्सुअल होती है सो और ये भी लिखा होगा विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका प्रोसेस का नाम देके आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, सो सबसे पहले ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फिजन की बात करेंगे। दिस इज वन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन का क्या मतलब है, इस वर्ड से मतलब समझिए। फिजन मतलब टूटना, किसी चीज का ब्रेक होना। सो फिजन का क्या मतलब हुआ, टू डिवाइड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल की वहाँ पे डिवीजन हो जाती है और वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर देता है। सो अपने नए ऑफस्प्रिंग्स बना देता है, खुद टूट के नए ऑर्गेनिजम्स बना देता है। तो इसमें ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के केस में देखने को मिलती है। जबकि फिजन दो तरह की होती है, फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब दो में टूटना, मल्टीपल फिजन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक होना, दैट इज मल्टीपल फिजन। सो बाइनरी फिजन में देखिए कैसे ये सिंगल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें फर्दर दो में डिवीजन होनी अंदर ही अंदर स्टार्ट हो गई, डीएनए डुप्लीकेट कर गया। ये पेरेंट सेल था, इसके अंदर डीएनए, दो डीएनए बनने स्टार्ट हो गए। अब साइटोप्लाज्म जो ये बाहर की लेयर जो थी ये साइटोप्लाज्म की थी, अब डीएनए ये डुप्लीकेट तो हो गया, अब साइटोप्लाज्म भी टूट के अलग अलग इसके आसपास जुड़ना, ऐसे ऐसे देखिए ये ऐसे ब्रेक होना शुरू हो गया, ये डिवाइड हो गया, अब ये फाइनली दो में डिवाइड हो गए। सो टू डॉटर सेल्स बन गए। जबकि मल्टीपल फिजन के केस में क्या हुआ, दिस इज वन पेरेंट सेल जिसके अंदर ये इस तरह से शाइजोन डॉटर न्यूक्लियाइज फॉर्म हो गए। ठीक है, तो इसमें भी डीएनए की डुप्लीकेशन हुई, ये देखिए इसके आसपास ऐसे ऐसे लेयर्स बन गई। सो बाद में जब ये फुली डेवलप्ड हो गए तो इस तरह से ये रप्चर हो गई, इसकी वॉल शाइजोन वॉल रप्चर हो गई और ये बाहर निकलने शुरू हो गए और ये सारे के सारे फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे एज अ क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। सो दैट इज मल्टीपल फिजन। तो चलो हम देख लेते हैं कि बाइनरी फिजन किस में होती है और मल्टीपल फिजन किस में होती है। सो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि बात है जैसे इसका नाम डिफाइन कर रहा है, बाइनरी फिजन, पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमेशा यहाँ पे डॉटर सेल्स लिखा जाता है, सन सेल्स कभी नहीं लिखा जाता बायो में। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। अब ये किस में देखने को मिलती है, अमीबा में, लिशमानिया में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, ठीक है, इन सब में ये देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है कि किस तरह से होती है। अब जैसे जो अमीबा है वो कहता है कि मैं तो किसी की बात नहीं सुनता, वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कैसा भी बना दो, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। सो इसमें कुछ भी तरह से बना दो स्ट्रक्चर इसका अमीबा का, तो वो कहता है कि मेरे किसी भी पॉइंट से फिजन होनी शुरू हो जाएगी, इसके किसी भी पॉइंट पे, ऐसा नहीं है कि इस तरह से होगी या इस तरह से होगी, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे भी हो सकती है वैसे भी हो सकती है। सो इट हैपन्स फ्रॉम एनी साइड, सो एनी प्लेन पे उसकी बाइनरी फिजन हो जाती है। जबकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे या तो वर्टिकल होती है या इस तरह से होती है फिजन अगर एक ऑर्गेनिज्म, या फिर हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस तरह से भी होगी दो में डिवाइड हो जाएगा। अमीबा के केस में इट हैपन्स फ्रॉम एनी प्लेन। ये देखिए ये अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की एलोंगेशन शुरू हो गई, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस की डिवीजन के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया। साइटोप्लाज्म उसके बाद ब्रेक हो गए, कैसे ये एक से दो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, ठीक है, दो डॉटर सेल्स बन गए। सो दिस हैपन्स इन केस ऑफ बाइनरी फिजन। अगर आए तो आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, देन यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। और प्रॉपर लेबलिंग कीजिए, दैट विल टेक वेरी लेस टाइम। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिख देंगे तो टीचर को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दे नो कि आपको आ रहा है सारा कुछ, आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। सो नोइंग द आंसर इज़ वन थिंग, बट उसको रिप्रेजेंट करना एग्जाम में, दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू हैव टू लर्न एट दिस स्टेज ओनली। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे सो वो चीज़ आपकी हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी। देन हम बात कर लेते हैं लिश्मानिया में। लिश्मानिया भी बाइनरी फिजन होती है। देखिए इसका प्लेन, इसमें फिजन कैसे होगी, इसमें इस तरह से फिजन होगी। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस में ये डिवाइड होने शुरू हो गए। अब ये इसका साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड होगा, यहाँ से इसकी डिवीजन स्टार्ट हो गई। ये कंप्लीट दो, ये टूटता 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 चला जाएगा। अब ये दो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाएंगे। सो दिस इज बाइनरी फिजन इन केस ऑफ लिश्मानिया। देन कम्स द मल्टीपल फिजन। ये फिजन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है एक, ठीक है। तो इसमें ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कैसे, किस तरह से इसकी डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसमें ये बाहर की जो लेयर है ये साइजोंट है, ये वाली, ठीक है। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाइज फॉर्म होने शुरू हो गए। सबके आसपास ये एक साइजोंट वॉल बनी हुई है, ये एलोंगेट होते चले गए, इन्होंने अपनी प्रॉपर शेप ले ली। इनको मीरोजॉइड्स बोला जाता है। सो मीरोजॉइड्स ही बन गई। जैसे ही इनकी साइजोंट वॉल रप्चर हुई, ये बाहर निकल के कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज एक ऑर्गेनिज्म ने बहुत सारे डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेकेंड आ जाती है हमारी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये अपने आप को छोटे छोटे पीसेस में, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर लेगा। और जिन फ्रैगमेंट्स में ये अपने आप को ब्रेक करेगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे, अपने आप में वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो ये देखने में मिलता है हमें स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एक ग्रीनिश सा फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है जो पॉन्ड्स और लेक्स में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हुई, ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को तोड़ा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, फ्रेगमेंट्स में डिवीजन के बाद ये कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो वो उनमें सिंपल सेल बाय सेल डिवीजन नहीं होती, क्योंकि वो कुछ सेल्स का कलेक्शन है। बहुत सारे सेल्स मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो उनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ देन ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। सो सारे डिफरेंट जो सेल्स हैं उसमें वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन एक स्पेसिफिक सेल टाइप परफॉर्म करता है, वो ग्रो करता है, प्रोलिफरेट होता है, बहुत सारे सेल्स में बन जाता है, देन अलग सेल्स बना देता है, फर्दर टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म कर देता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल बाय सेल डिवीजन नहीं होती। देयर इज अ प्रोसेस इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जबकि यूनिसेलुलर में सेल सिंपली न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन हमने बात करी स्पाइरोगायरा के केस में। याद रखिए, एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है। देन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन किस केस में होती है, रीजनरेशन होती है हमारी हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया में। रीजनरेशन का क्या मतलब है, रीजनरेशन आप लोगों ने देखा होगा, लिजर्ड है, लिजर्ड आपके घरों में सबने देखी होगी। लिजर्ड के ऊपर कोई भी खतरा आता है, ठीक है, तो वो अपनी टेल जो है वो शेड कर देती है। टेल शेड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट टूट गई तो उसके बाद उसको आएगी नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद, कुछ आफ्टर सम टाइम, वो अपनी टेल दोबारा से रीजनरेट कर लेती है, दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है, वो अपना एक लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर रही है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप कर रही दूसरा, ठीक है। सो रीजनरेशन वो वाली और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन वाली है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। और रीजनरेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी कई पार्ट्स पे कट लग जाएगा। अगर कट लगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में इस तरह से ये ब्रेक हो गई, 1, 2। अगर हम लोग प्लेन एरिया की बात करें, यहाँ कट लग गया, एक यहाँ कट लग गया, तो ये तीन में पार्ट डिवाइड हो गया। ये हाइड्रा की बात करें तो यहाँ कट लगा तो ये दो में डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्पेशलाइज सेल्स रीजनरेशन कॉज करते हैं, जो वो क्या करते हैं, वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं, बहुत सारे सेल्स फॉर्म कर लेते हैं। जहाँ पे ब्रेक आता है एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स डेवलपमेंट अंडरगो करते हैं, बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज फॉर्म कर लेते हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, जैसे कि ये हाइड्रा के केस में हुआ और प्लनेरिया के केस में हुआ। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि रीजनरेशन जो रिप्रोडक्शन वाला डिफरेंट क्यों है, क्योंकि रीजनरेशन बहुत ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जो कि अपना लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रीजनरेशन होती है। ओके, so this is about these three types of asexual reproduction we have talked about in this video. So I hope these are clear with you. In the next video we are going to discuss the other three types of the asexual reproduction. So stay tuned for that video. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day and please don't forget to press the like button.